तो सियासत भले ही हो रही हो, लेकिन यहाँ पर आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये जो ट्विन टावर हैं ये ध्वस्त किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी राम हमारे साथ है। राम, एक बड़ी डिबेट रही सोशल मीडिया पर भी इन ट्विन टावर को लेकर, और इनके अगर मौजूदा मार्केट रेट की बात की जाए तो 700 से 800 करोड़ इनके मौजूदा मार्केट रेट की बात कही जाती है। और एक बड़ी बहस जो सोशल मीडिया में छिड़ी वो ये कि इन टावर्स को ध्वस्त करना क्यों जरूरी है, इन टावर्स का इस्तेमाल क्यों किसी और काम के लिए या किसी जन कल्याण के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है, एक बहस यहां पर छिड़ी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सियासत भी इसमें अपने लिए क्रेडिट ढूंढ रही है। बिल्कुल, देखिए अदिति, ये तो रिवाज है सियासत का और ये इसी तरह से चलता रहेगा। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी अपने लिए व्यवस्था ढूंढ लेती है, ये राजनीति है। और ये तस्वीरें हम इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि जो जिक्र हुआ है कि ये जो टावर हैं इनकी इजाजत कब दी गई, वो साल 2009 था और वो 2009 का साल है तो वो BSP का कार्य। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकालता इसके बाद फिर इसको संरक्षण कब दिया गया, ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि 2012 से 17 का जो कार्यकाल था वो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था। और इसके बाद तो फिर कार्रवाई की बात शुरू हो गई थी, मामला अदालत में चला गया था और फिर हाईकोर्ट होते हुए ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। और अदालती प्रक्रिया में जब चीज चली जाती है तो फिर राजनीतिक दल खुद को पीछे हटा लेते हैं और इसीलिए ये बीजेपी शायद आरोप लगा रही है कि ये कार्यकाल BSP और समाजवादी पार्टी का जो दोनों का मिलकर रहा है, उस दरमियान इनका निर्माण हुआ है। वो तिथि के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी प्रक्रियाएं कई जगह से शिकायतें आती हैं कि नियम के विरुद्ध जाकर, नियम को हटाकर नोएडा अथॉरिटी के कई अधिकारियों ने पैसा इधर उधर करके कई जगह परमिशन दी है। और ये एक तरह से आदत मान ली जाती है कि जहां पर एक निर्माण हो गया उसको ये मान लिया जाता है कि चूंकि हो गया है तो छोड़ दीजिए, चूंकि अब बन गया है, चूंकि इसमें निवेश हो गया है, इसमें 70 करोड़ रुपए लग गए हैं तो इसको कहाँ ले जाएंगे, ये बन गया है तो चलने दीजिए। लेकिन ये आदत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। ये आदत इसलिए बदलनी पड़ेगी कि जो नियम है वो नियम है और नियम के हिसाब से अगर नहीं बना है तो फिर वो चाहे 70 करोड़ का हो या मौजूदा कीमत 700 या 800 करोड़ हो, वो जमीन जो इमारत है वो गिरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनसे वादा किया गया था रेजिडेंट से कि ये एरिया ग्रीन एरिया रहेगा, इस एरिया में कोई निर्माण नहीं होगा, उनकी रजामंदी के बगैर। बिल्कुल राम, यहाँ पर एक सवाल ये है कि आपने ट्विन टावर पर एक्शन ले लिया, आपने बिल्डर पर एक्शन ले लिया, लेकिन ये बिल्डिंग अगर खड़ी हो पाई तो इसमें सरकारी तंत्र की मिलीभगत रही? आप बाबुओं पर या जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे, जो नियमों की को ताक पर रख दिया गया, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो अगर कस्टमर के तौर पर, ग्राहक के तौर पर इसे देखा जाए तो ये इंसाफ, क्या संपूर्ण इंसाफ माना जा सकता है? ये अपने आप में एक डिबेटेबल सवाल है। चंदन हमारे साथ है। चंदन, इस वक्त लेटेस्ट तस्वीरें क्या हैं, क्योंकि अब करीब 50 मिनट का वक्त बाकी है जब ये ट्विन टावर्स जो है पूरे तरीके से जमींदोज हो जाएंगे। आपके पास कोई अपडेट और ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, साथ ही आप कमांड सेंटर के बेहद ही नजदीक है, इंसिडेंट कमांड सेंटर, क्या वहां से कोई अपडेट इस वक्त आपके पास है? जी, यहाँ लगातार अधिकारियों की आवाजाही हो रही है अदिति, मैं वो अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो कैमरा घुमा करके दिखाएं, पीछे लगातार अफसरों के आने का सिलसिला जारी है। विक्रम जी, यहाँ दिखाएं ये तस्वीरें, देखें आप एजेंसियों की, अलग अलग एजेंसियां जो हैं उनकी गाड़ियां देख सकते हैं, अलग अलग पर्सनल हैं, NDRF की गाड़ी आप देख सकते हैं, NDRF की गाड़ी है यहाँ पर पहुंची हुई है, दूसरे जो पर्सनल हैं वो लोग भी आ रहे हैं, लगातार आवाजाही जारी है, पुलिस के आला अधिकारी लगातार वहां पर कमांड सेंटर के पास ब्रीफिंग कर रहे हैं और NDRF की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, NDRF के अधिक लोग हैं, थोड़ा हटना दोस्तों, ये NDRF की टीम है, यहाँ आप देखिए NDRF की टीम पहुंची हुई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो कि यहाँ पर मौजूद है, इन्हें भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ये तस्वीरें आप देखिए, NDRF की टीम यहाँ मौजूद है क्योंकि पुलिस के पर्सनल के साथ साथ NDRF के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी तरह का अगर हादसा होता है तो उससे निपटने के लिए जो सबसे एलीट रिस्पॉन्स फोर्स है, एलीट एजेंसी है NDRF, और NDRF की टीम्स यहां पर मौजूद है, अलग अलग जगह अलग अलग एजेंसी यहां पर, ये कमांड सेंटर है, यही कमांड सेंटर जहां से कि मॉनिटर किया जा रहा है और जो सपोर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये कमांड सेंटर, इसके अंदर बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया 250 मीटर का है उसके बाहर का इलाका है, वहां पे आप यहां CCTV से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन पास किया जा रहा है और ये
यही वो सेंटर है। आप आगे देखेंगे अधिकारियों की लंबी कतार है, गाड़ियों की एकदम लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं लगातार कम से कम 20 गाड़ियां और कमिश्नर की गाड़ी भी यहां पर दिख रही है। 3 स्टार लगे हुए हैं ब्लू कलर के लोगों के साथ में, तो गाड़ियों की लगातार कतार यहां पर, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अदिति एक चीज अब साफ बता सकते हैं कि नोएडा का जो पूरा प्रशासन है, सरकारी अमला है, वो इस वक्त यहां पहुंचा हुआ है और आसपास पूरी तरह से निगरानी कर रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले यहां ड्रोन उड़ रहे थे, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कोई भी कसर यहां नहीं छोड़ी जा रही है एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि सबको पता है कि ये कितना हाई प्रोफाइल डेमोलिशन है। भारत में 103 मीटर ऊंची इमारत को गिराने का इससे पहले कोई वाकया सामने नहीं आया है। ऐसे में आज का दिन ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक हर लिहाज से है, ना सिर्फ तकनीक के लिहाज से बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में। जैसा कि आप लोग भी अभी बता रहे थे कि जो सजा मिलेगी बिल्डर को वो तो बाद की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दे दिया है कि अगर नियम तोड़ा जाता है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। सब चलता है वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा आदिति। बिल्कुल, और यहाँ पर चंदन आपको बता रहे थे और हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो पर्सनल हैं आप उन्हें देख पा रहे हैं। आपको ये जानकर, आपके लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा कि जब हम एनडीआरएफ की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्स है जब डिजास्टर रिस्पॉन्स की बात की जाती है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जब अनप्रेसिडेंटेड तौर पर 103 मीटर ऊंचे टास्क जब इन्हें ध्वस्त करने की बात की जा रही है तो एनडीआरएफ की मौजूदगी अपने आप में बताने के लिए काफी कि कितना बड़ा चैलेंज और इस चैलेंज के लिए भारत कितना ज्यादा तैयार भी है। मेरे कई सहयोगी लगातार तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, पयोधि शशि भी हमारे साथ हैं। पयोधि, यहां पर राम आपसे मैं जानना और समझना चाहूंगी, दर्शकों को समझाएं आप कि किस तरह से ये वॉटरफॉल इंप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है इस इन ट्विन टास को ध्वस्त करने के लिए। करीब करीब 50 मिनट का वक्त बाकी है, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। थोड़ा सा वॉटरफॉल इंप्लोजन टेक्निक जिसके तहत 1000 करीब करीब 1000 जो छेद हैं वो किए गए हैं और किस तरह से ये पूरा जो ट्विन टार है ये ध्वस्त होगा 9 सेकेंड्स के टाइम में। बिल्कुल अदिति, आपने ठीक कहा कि 9 सेकंड लगेगा और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 12 सेकंड का वक्त लगेगा। एक बार फिर से इन ट्विन टावर को दिखाते हुए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तकनीक का आप जिक्र कर रहे हैं वो तकनीक दरअसल एक छोटे छोटे विस्फोट होते हैं और कई टुकड़ों में विस्फोट होते हैं, हालांकि उनके बीच का जो अंतराल है वो बहुत ही कम होता है, वो माइक्रो सेकेंड में होता है। इकट्ठा कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता, उसको इम्प्लोजन कहते हैं। तो एक्सप्लोजन में ऐसा होता है कि अगर ये बिल्डिंग फटेगी तो कहीं भी गिर सकती है, लेकिन जब धीरे धीरे करके एक एक पिलर में जहां पर ड्रिल की गई है और ड्रिल करके बारूद का एक हिस्सा लगाया गया है, कुल मिलाकर 3700 किलो बारूद इन दोनों टावर में लगाया गया है, लेकिन जब वो माइक्रो सेकेंड के अंतर पर कुछ अंतराल के बीच में वो इम्प्लोजन होगा तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये जो पूरी इमारत है वो नीचे की तरफ बैठेगी, नीचे की तरफ धसेगी और पूरा मलबा, ये कोशिश है कि इसके नीचे बेसमेंट में जो जगह है जो अंदर ये धस जाएगी, आधा हिस्सा इसका धस जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 80,000 टन के आसपास इसका मलबा निकलेगा, तकरीबन 45 से 50,000 टन जो है वो नीचे ही बैठ जाएगा और ऊपर जो मलबा बचेगा वो करीब 30,000 या 35,000 टन के आसपास बचना चाहिए, जिसको बाद में हटाया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1200 से 1300 ट्रक के फेरे लग जाएंगे उसको निकालने में, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है जब ये पूरा मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। तो ये बिल्डिंग नीचे की तरफ बैठेगी, क्योंकि एक तस्वीर हम बहुत गौर से दिखाना चाहते हैं, इस पूरे विवाद की जो मुख्य जड़ है, या ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा कारण बना कि ये निर्णय उन रेजिडेंट्स के हक में आया जिन्होंने ये शिकायत की थी इस बड़े बिल्डर की बजाय, ये तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि उसके बगल में जो इमारत है उसकी दूरी तकरीबन 8 से 9 मीटर है, और ये जो पैमाना है किसी भी बड़े टावर को बगल में बनाने का वो पैमाना होता है तकरीबन 16 मीटर, 16 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए। और अगर ये इमारत इधर से उधर गिरती है तो फिर वो बगल वाली पूरी इमारत इसकी चपेट में आ जाएगी, और इसीलिए एक्सप्लोजन नहीं होगा, इम्प्लोजन होगा। और जिस तकनीक के लिए जेट डेमोलिशन जानी जाती है वो कंपनी खास तौर से साउथ अफ्रीका से बुलाई गई है, जो भारत की कंपनी एडिफिस के साथ मिलकर इस इम्प्लोजन को करने वाली है अब से कुछ ही देर के बाद। तकरीबन जिस तरह से आप बता रही थी कि अभी समय बचा है तकरीबन 50 मिनट का, तो अभी उसी के बाद इसको लोग देखेंगे भी कि कैसे बगल के 8 मीटर में भी कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। 8 मीटर का एरिया भी सुरक्षित रखा जाएगा और इतनी बड़ी 103 मीटर की इमारत
धरती में मिल जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। तो ये उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे और राम जो इस वक्त तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डेमोलिशन दोनों ही कंपनियां जिन पर ये बहुत बड़ा दारोमदार है और उसके बाद इम्प्लोजन के बाद वाटरफॉल इम्प्लोजन के बाद जो दारोमदार रहेगा वो अलग अलग एजेंसीज पर रहेगा और उसी के तहत आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की ग्राउंड पर बड़ी संख्या में मौजूदगी है, 560 पुलिस पर्सनल है। इसके अलावा QRT क्विक रिस्पांस टीम की बात की जाए तो 4 क्विक रिस्पांस टीम और लगातार तस्वीरों के माध्यम से बड़ी संख्या में फायर टेंडर्स, 3 अस्पताल अलर्ट पर, ये बताने के लिए काफी कि किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए भी तैयारी पूरी रखी गई है। और तेजी से घड़ी की सुइयां आगे बढ़ते हुए और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।